बताओ टाइम क्या हो रहा होगा। वैसे गैस मारो, इस टाइम मैं बना रही हूँ खाना वाना। अब देखो ये सुबह का है, दोपहर का है, अब इसकी रात का तो नहीं होगा क्योंकि रोशनी आ रही है। तो वैसे दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। सुबह से लेकर गाइस बिजी चली हुई थी, ज़्यादा बिजी चली हुई थी क्योंकि लास्ट डे वाली वीडियोस वगैरह और फोटोज वगैरह गाइस एडिटिंग करके हमको पोस्ट करने का था ऑन यूट्यूब, ऑन फेसबुक, मेरे पर्सनल आईडी पे, पेजेस पे, है ना, व्लॉग भी अपलोड करना था, फिर सॉन्ग से कॉपीराइट आ गया था, तो कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे करते हुए टाइम लग गया गाइस पूरा दिन। ब्रेकफास्ट हमारा सुबह हो गया था और मैं जस्ट भी नहा के आई हूँ सुबह से लेके, मुझे नहाने को भी नहीं मिला। वही है ना, सुबह से लेके इसी में लगी पड़ी थी फोन में। सो के एक तो लेट उठे यार, 9 बजे सो के उठे, 11 बजे से ब्रेकफास्ट से फ्री हुए, फिर मेरे को लगा शायद 1-1.5 घंटे तक निपट जाएगा सारा कुछ, बट नहीं, टाइम चला गया। बीच में मेरा भाई भी आया था मक्खन, किसी को लेके आया हुआ था, किसी को ड्रॉप करने नहान, तो उसके साथ बैठ के उसमें भी थोड़ा टाइम चला गया। मतलब बैठना तो पड़ता ही है ना, अभी ऐसे थोड़ा ना कोई घर आया मैं अपना काम ही करती रहूँ, है ना, डजेंट लुक नाइस ना गाइस। तो इस करके अब 3:30 हो रहे हैं, तो इस टाइम मैं पुलाव छोड़ रही हूँ जल्दबाजी में। और आज गुरु पर्व है, पता नहीं कौन सा, गूगल से पूछ के बताऊँगी। तो आज शाम को, वैसे तो सुबह जाना था गुरुद्वारे बट नहीं जा पाए, तो इवनिंग में गुरुद्वारे जाएंगे गाइस, आफ्टर क्लास गुरुद्वारे जाऊँगी, ठीक है। लंगर वगैरह आज वहीं करके आएंगे शायद, नॉट कन्फर्म गाइस। समर अपने दोस्त के साथ और मैं यहाँ अपने किचन में, दुगल ही अपने फ़ोन में। चलो छोंक लूँ पुलाव। तो अविंस अकेडमी आ गई हूँ, इस टाइम 5 बज रहे हैं, 5:15। और ये हाल देखो गाइस अकेडमी का, कल का जो कचरा था। अरे वाह, हाँ ना बेबी, आप इतनी जल्दी आ गए। तो ये मैं कचरा साफ करने लगी हूँ गाइस, ठीक है। बच्चे भी आने शुरू हो रहे हैं, वैसे तो 6 बजे का टाइम था, हाना जल्दी आ गई। चलो सही है, हाना मेरी हेल्प करवा देगी गाइस। अभी नीचे वाले बलून सारे डिस्टर्ब करेंगे डांस करते हुए। चलो आपको मिल रही हूँ अभी बच्चों के साथ वापस। तो गाइज़ ये कुछ थोड़ा बहुत मैं मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मेरा शो आना है 29 में, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए बोला हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में ट्राई कर रही हूँ गाइज। हाय आर्वियंस, बाय आर्वियंस। अकेडमी बहुत कलरफुल लग रही है अभी भी गाइज, लुकिंग सो ब्यूटीफुल गाइज, लाइक अस गाइज। क्लास हो गई है और बच्चों को लेके जा रही हूँ घर। मैं कह रही हूँ तो मैं ड्रॉप कर दूंगी घर पे, मैं ही हूँ, मुझे गुरुद्वारे जाना है। नंदेश सैड मैम, हमें भी गुरुद्वारे जाना है, तो अब देखते हैं इनको लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ। उन्हें भी तो हामी भरी थी, हाँ है ना बेटा, बस बस कर, कितना छापेगी, बस कर, बंद कर दो, मन ही नहीं भरता इन लोग का। चलो ठीक है, दुकान जी का फोन आ गया गाइस, हम लोग निकलते हैं, बाय। चरण कमल पर आशीर्वाद दीनों में आप, गुण सुनावे
बात कर लो। हेलो, चलो आ जाओ बैठ। थोड़ी देर के लिए बैठेंगे यहाँ पे, फिर घर निकलेंगे। शेज की कॉल पे कॉल आई जा रहे हैं, बाहर गई ना शेज। ब्लॉग में आएगा सारा।
रंगा हॉल हमने बहुत अच्छे तरीके से बंद किया, बाबा जी का आशीर्वाद मिला आज हमको। ठीक है जी, आ जाओ। लंगर करते हैं लोग, सात संगत जी जा रही है। हाँ जी बिल्कुल ना करूँ फोन। गाइस अक्षरा की मम्मी तो हमें ही मिल गई चुगान में, और श्रेया को हम यही फेंक रहे हैं चुगान में। ठीक है, तुझे मैं ही चुगान में फेंक रही हूँ, और फिर घर जाके करूंगी। फोन की चुगान में फेंक दिया और श्रेया को, और वहां से तुम ना पागल पागल वाली है, तू देख के चुप। मुझे लगा बैल आया। सांप मरा हुआ है, कोई बात नहीं बेटे, आज कल आते ही है सांप। पीछे राजा जी हो यार। हेलो, आज कौन सा गुरु पर्व है ये बताओ? आज गुरु हरकृष्ण राय जी का बर्थडे है, मतलब गुरु पर्व है आज। और वो आठवें गुरु हैं, आठवीं ज्योत हैं गुरु नानक साहब की, और आज उनका गुरु पर्व है। और आज बहुत धूमधाम से मनाया गया ये बर्थडे। क्या कर रहे तो वो 5 साल की उम्र में गुरु गद्दी मिली थी। ठीक है गाइस, ओके, बाद में बात करते हैं। चौहान में पानी पानी भरा पड़ा है, क्या कर रहे चौहान में? चलो चलते हैं अंदर यार, यूट्यूब ब्लॉग बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हां जी। तो गाइस ये बाबा जी हैं जो तरन तारण साहब जी से आए हैं यहाँ पे सेवा करने नाहन के गुरुद्वारे में, और वो आपको बताएंगे गुरु हरिकृष्ण राय जी के जीवन के बारे में, मतलब उनकी हाइलाइट्स कुछ। जी बाबा जी, सतगुरु गुरु हरिकृष्ण साहब सचे पातशाह महाराज, साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के सुपुत्र बाबा गुरदित्ता जी के धार कीरतपुर साहब के अवतार धारिया सतगुरु गुरु हरिकृष्ण साहब सचे पातशाह जी ने आप जी ने गुरता गद्दी जो है वह 5 साल की उम्र प्राप्त हुई, और महाराज सचे पातशाह 3 साल इस संसार में रहे। 8 साल की उम्र में सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी इस संसार के उपरों त्याना कर गए, और इन्ने थोड़े समय के सचे पातशाह जी ने बहुत वड्डे कार्ज किए। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह महाराज जी ने गुंगे झीवर तो बोले तो जो कन्ना तो बोला सी और जबान तो बोल नहीं सी सकता और कन्ना तो भी सुन नहीं सी सकता, उसके कोलो गीता दे अर्थ करवाए। जिस वेले सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी पंजोखरा साहब जी धरती के उपर आए, और एक पंडित ने पुछना किया कि ये कौन आए हैं, सिख ने बेनती की, सिखा ने दसिया कि गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी हैं। वो पंडित हंकारी सी, उसने कहना किया कि गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी ने अपना नाम तो श्री कृष्ण जी नालों भी वड्डा रखाया है, भावें इन्हों गीता दे अर्थ बना आते हो। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी ने जा करके गुरसिखा ने दसिया कि वह पंडित इस तरह कहता है। गुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी ने वचन किए कि गुरु घर के वड्डी गुरता गद्दी के उपर विराजमान हैं, छोटी उम्र के पढ़ गए हैं, क्योंकि वड्डे घर के बच्चे सोहने स्कूलों सोहने थावां ते सोहनिया यूनिवर्सिटियां पढ़ करके उच्ची विद्या प्राप्त कर लेंदे हैं, इस करके छोटी उम्र के पढ़े लिखे होणगे और विद्या प्राप्त की होगी। और ये शंका करेगा कि गुरु नानक साहब जी के उपर और गुरु अर्जन साहब सचे पातशाह ने वचन किए असी की जिसन मर्जी लै आए असी उस तो गीता दे अर्थ करवा देवे। उस वेले पंडित ने नगर के जो कन्ना तो बोला सी जबान तो गुंगा सी उसनों लियाना किया सतगुरु जी के सामने किया। सतगुरु सचे पातशाह जी ने वचन किए कि गुरसिखो इस दा इनान कराओ, जदों इनान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाए सतगुरु गुरु अर्जन साहब सचे पातशाह जी अपने हाथ में छटी रखते सन जिसनों छोटी भी कहा जा सकता है, जदों बजुर्ग जोड़े बहर अंदर जाने वास्ते हाथ में छोटा रखते सन तो सतगुरु हरकृष्ण साहब सचे पातशाह जी हाथ में रख्या करते सन। जदों गुरसिखा ने इनान करवाया और सुंदर वस्त्र पहनाए उस तो बाद सचे पातशाह जी ने उसके सिर के उपर छटी रखी तो उसनों सारा त्रिलोकी का ज्ञान हो गया। उस वेले वो जड़ा गुंगा बोला झीवर सी सज्जू झूर
उसने कहना किया पंडित जी दसना करो किहड़े श्लोक दे विच प्रवृत्त करोगे किहड़े श्लोक की कथा सुनने चाहते हो। फिर पंडित नूं कोई जवाब नहीं आया, शर्मिंदा होया। आप ही सज्जी झीवर ने श्लोक पढ़े गीता दे और आप ही अर्थ किए। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह ने उस पंडित का हंकार दूर किया। वो पंडित जिहड़ा सी सतगुरु जी के चरणों के उपर ढह पिया और गुरसिखी प्राप्त की और गुरसिखी का प्रचार करता रहा। उस तो बाद सच्चे पातशाह जी दिल्ली दे विच पहुँचे, जो उत्थे हये आदक की बीमारी पई हुई सी, चेचक आदक की बीमारी पई हुई सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने संगतां ने बेनती की, सच्चे पातशाह जी गुरु नानक साहब जी की गुरता गद्दी उपर विराजमान हो, आप जी कृपा करो, साढ़े दुख निवृत्त करो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक सुंदर चबच्चा सी उस दे विच जल पवाया और इशनान आदि किया। वचन किए कि जिहड़ा भी इस चबच्चे दे विच जल लै करके इशनान करेगा उहदा दुख दूर होगा। इस तरह ही संगतां करन लगियां, जो चेचक आदक की बीमारी सी होर बीमारियां सन वो सारियां दूर होईयां और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने शरीर उपर जो कष्ट सी वो लैणा कीता। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी ने अपना जिहड़ा शरीर सी वो छड्ड दिता और दिल्ली दे विच ही वचन कर दिते कि बाबा बसै बीच बकाले, बिन बन गुर संगत बीच संभाले। कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी उस वेले बाबे बकाले की धरती उपर विराजमान सन, भोरे दे विच गुप्त रिहा करते सन। बहुत लम्मा समा छब्बी साल 9 महीने तो 27 दिन इस तरह जो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने बंदगी की और महाराज सच्चे पातशाह जी प्रगट नहीं सी करना चाहते। जो मक्खन शाह लबाणा सी उसका जहाज बन्ने लाया तो उसने जो मोहर भेटा कीतियां जो उत्थे पहुँचे तो इस प्रकार सारे जिहड़े 22 गुरु बन के बैठे सन सारियां नूं 5-5 मोहर जिहड़ियां सी भेटा कीतियां पर तसली ना होई। उस तो बाद गुरु तेग बहादुर साहब जी के भोरे विच पहुँचे जो कि गुप्त रह करके प्रभु की बंदगी करते सन। तो महाराज ने सच्चे पातशाह ने वचन किए कि 500 मोहर सुख करके हुण 5 भेटा करदा है। उस वेले जो चुबारे के उपर चढ़ के कोठे उपर चढ़ के मक्खन शाह लबाणे ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रगट किया। इस तरह गुरता गद्दी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं दित्ती और छोटी उम्र के बहुत ज़्यादा वड्डे कार्ज किए। आप जी की छोटी उम्र सी और शादी नहीं सी होई सी, बाकी सारे गुरुआं की जो शादी होई सी। इस प्रकार गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने वचन करके अपने संसार तो विदा होए और गुरता गद्दी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिती। जिन्ना सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का नाम जपया उन्होंने दुख दूर होए। 10वें पातशाह जी ने अरदास भी वचन किए, श्री हर कृष्ण तिहाई है जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावै धाए। इस प्रकार सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का अज के दिन गुरपुरब सी। सारिया संगतां नूं लख लख वधाई होवे। इन्नियां ही बेनतियां करदा दास खिमा दा जाजक है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सोने हाल सत श्री अकाल वाहिगुरू। बो कट गया यहां से। हां और इन्हें जब इन्होंने देखा इसकी ब्रेक में ही लग गया, यूं यहां टकराई मेरा दुडुप से सी फिर भाग गई करके। दो बड़ी थी, दो छोटी छोटी थी, चार थी। आज अंदर आ जाओ। नहीं नोनी, एक अलग कोने में लिपटी हुई थी, तो तुम देखते तो है नहीं ठीक से। गैस पहुंच गए घर। ये वाला है, ये क्या है? ये बनियान को बाहर निकाल रखा है क्या? ये मैंने अभी निकाला है सर। व्हाट इज दिस ड्रेसिंग सेंस? देखा, ये कोई काम करके नहीं रखते मेरे पीठ पीछे। इन्होंने गंद मचा के रखा हुआ सारी सेल्फ पे, यहाँ से लेके वहां तक। छू छू क्या हुआ है? मम्मा देखो देखो, पागल हो जाएगी छुनछुनिया। इसको दवाई भी नहीं दे रखी आज। हे आर्यंस,
तो इस ब्लॉग को गाइस यहीं खत्म कर रहे हैं। खाना खा के आगे थे, लंगर करके आगे थे सॉरी, तो घर आके कुछ काम वाम था नहीं, बर्तन वर्तन था, किचन थोड़ी क्लीन करनी थी, वो सब कुछ हो गया। और फिलहाल रात के 11:15 हो रहे हैं गाइस, और सोने की तैयारी चल रही है, समा सो गया है। ठीक है, तो आपको कल मिल रही हूँ ऑडियंस नए ब्लॉग में। 50K का टारगेट कंप्लीट करवा दो यार, प्लीज़ 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 करवा दो, ब्लॉग शेयर कर लिया करो यार, कोई नहीं रहा है क्लियर। पता नहीं ऐसे तो कितने जन्म लग जाएंगे मुझे, करते करते इसी जन्म में करवा दो प्लीज़ यार। चलो कल मिल रही हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, 50K कर दें, और देखते रहें आप एक और के ब्लॉग्स गाइस। वी लव यू फ्रॉम दिल से गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय, 50K कर दूँ।